नमस्कार। आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक है, क्योंकि वास्तव में है क्या, हम लोग इतने बड़े बड़े शो देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे आज पहली बार आए होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी भीड़ को देखा होगा, ऐसा लोग, और जो पहली बार आए हैं और जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी भीड़ को देखा है, वो यकीन करके जाना कि जितने लोग इस स्टेज पे आए हैं उन्होंने भी आपको की तरह कभी पहली बार इतनी भीड़ को देखा था, इसलिए इस स्टेज पे आए हैं। अगला नंबर आपका है। आप लोग बड़ी दूर दूर से चल के आए, मुझे मालूम है, यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था तो मुझे पता कि चला के यहाँ पे बहुत सारे लोग राजस्थान से आए हैं, ऐसे लोग राजस्थान से कितने लोग हैं, ये सभी ने हाथ उठा लिया, सच में है। तो मैं आपको तो ये बोलूंगा राजस्थान वालों, तैयार होना। बिहार वालों, अगर इस हिंदुस्तान के अंदर बिहार नहीं होता तो देश की राजधानी आज चल रही है। आज पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं और का इंसान मिलेगा ना मिले, बिहार वाला अपना झंडा लेना था वहां मिलेगा। सर आप बता रहे इसलिए कर रहा हूं कि आपकी आवाज ऐसी लगी थी। इसके अलावा कुछ लोग यूपी से आए होंगे, यूपी वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और यूपी वालों अपनी आवाज को बुलंद रखना, क्योंकि बिहार वाले कुछ कर पाए या ना पाए, राजस्थान वाले कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन देश में अगर सरकार इसकी बने के लिए निर्धारित तो यूपी वाले करते हैं। अपना वजूद समझना, अपना अवकाश छोटे मत समझना। हमारे यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से लोग बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से। मैं समझ सकता हूँ कि आज आप कितने बड़े विजन के साथ आए होंगे। मेरे दोस्त, आपको जब मैं देख रहा था, मुझे मेरे पुराने दिन याद आ रहे थे कि एक वक्त ऐसा था कि जब हम लोग गाड़ी लेके आ रहे थे, चारों तरफ ढोल के भाग लोगों की लाइन लगी हुई थी, कुछ लोग अपने कंधे के पीछे अपना बैग लटका के आ रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो चप्पल में आ रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनको सुबह नहाने का भी मौका नहीं मिला होगा। यस डियर फ्रेंड, आपको जितना धन्यवाद दूं और उतना कॉन्फिडेंस आपको दिलों में उतना कम है कि आप सोचिए, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं, 90% लोग ऐसे हैं कि मेरी बात से सहमत हो तो आप यस जरूर बोलना। हाँ, यहाँ पे बैठे हुए 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछली रात नींद नहीं ली, बिना सोए रात को रात चल के आए हैं और अब भी हम यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन
यहाँ पर आज इस टीम से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है, जिस टीम से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, आपको आपके औकात का एहसास मैं कराता हूँ पूरी अस्मिता वैली से। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप नंबर वन हो, मैं जो बातें बोलूंगा उसके आधार पर आप एहसास करना कि नंबर वन हो या नहीं। मैं अपने मुंह से कभी नहीं बोलूंगा, अगर आपको लगे कि हो तो ही आवाज निकालना, तो मैं आवाज नहीं निकालना। पूरी एडब्ल्यूटीएल के अंदर सबसे कम टीम के ऊपर सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ियों का अगर काफिला किसी टीम में है तो वो ये टीम है। पूरी एडब्ल्यूटीएल के अंदर सबसे छोटे लेवल पे, सबसे कम लेवल पे अगर कोई टीम लग्जरी गाड़ियों का शौक पालती है तो वो ये टीम पालती है। एडब्ल्यूटीएल की किसी और टीम में डायमंड बनने के बाद मैं नहीं कहूंगा कि गाड़ी लेगा लग्जरी गाड़ी नहीं लेगा, लेकिन मैं आश्चर्यचकित इस बात से कि इस टीम में तो लोग पहले डायमंड पे लग्जरी गाड़ी लेने लगे, बाद में स्टार सफायर पे लेने लगे, और ऐसा इतिहास बना कि सफायर पे भी लग्जरी गाड़ी ला के खड़ी। और आप कितने लोग बाहर से आए, आज पहली बार आए, वो एक चीज जरूर देख के जाना कि यहाँ पे जितने लोगों ने बोला है आपको लगता होगा यार कि यहाँ पे जब लोग आते हैं आदमी बोलता है मैं पहले बहुत गरीब था, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, मेरे पास पानी पीने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, मैं गुजारा किया करता था, बैंक से पैसे होया करता था। यहाँ जो नए लोग आए थे उनका दिमाग बहुत स्कूल से चल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी दुख भरी कहानी बता रहा है, थोड़ी देर जैसे 5-7 मिनट आते हैं और फिर वो बोलते हैं मैं आ गया गरीब आदमी अंदर। कुछ लोगों को लगता है सारे देव जैसी ही बात बोल रहे हैं। मेरे दोस्त ये यकीन मानना, आप दुनिया के सबसे समझदार लोग हो, कोई स्टेट में आकर झूठ बोल सकता है, लेकिन याद यकीन मानना पागल नहीं हो कोई झूठ बोल के आपको इस घर में नहीं सकता, क्योंकि आपको नॉलेज है। और आज सिर्फ ये मैं जरूर बोलूंगा कि शुरुआत सबकी एक जैसी ही होती है, जैसे आपकी शुरुआत हो रही है। यहाँ पे कई लोग बोले थे मैं इस कोने में बैठा था, मैं इस कोने में बैठा था। ये बात यकीन मानना कि पहले दिन जब आगे वाले सोने में बैठते नहीं था, पहले दिन तो जब आते हैं आप लोग आएंगे पूरी रात चल के और गेट के ऊपर बोला करते हैं लिखाओ बैठ लिखो, उसके बाद उनके लिए खाना भी लाएंगे लंच भी लाना। और इस बात का चैलेंज लेके जाना कि आज रांची स्टेडियम के अंदर मैं उस स्टेज से आया हूं, मुझे टिकट की जरूरत पड़ी, मुझे हाथ पे बैंड बांधना पड़ा, मुझे खाने के लिए लाइन लगाना पड़ी, इतनी मेहनत करूंगा दिन रात एक कर दूंगा, एक दिन यह होगा कि एंट्री लॉन्ग कार्पेट के ऊपर होगी और जब जो सौ मिलेगा तो रीजन यहां से मिल जाएगा। हमने जब शुरुआत की थी इंडस्ट्री के अंदर, मैं बताऊं कि मैं किस्मत वाला हूं कि दुनिया की सबसे दमदार, सबसे पावरफुल और सबसे रेस्पेक्टेड जॉब को करने का मुझे मौका मिला। मैं बीए की पढ़ाई करते करते 12वीं क्लास कंप्लीट कर दी थी, बीए मैंने कंप्लीट नहीं की थी इसलिए बीच में पढ़ाई करते करते भारतीय सेना में मुझे जाने का मौका मिला और दुनिया की सबसे दमदार सर्विस को बोल रहा हूं आपको बताऊं। इस दुनिया में आप किसी भी सर्विस के अंदर सिफारिश पे जा सकते हो, पैसे के दम पे जा सकते हो, लेकिन यार इंडियन आर्मी ऐसी है कि अगर आप फिजिकल फिट, मेंटल फिट और हर तरीके से फिट ना हो तो कोई मार्शल लॉ नहीं पूछेगा वहां पर, चाहे आप कितनी बड़ी सिफारिश। मैं इसलिए कहता हूं कि दुनिया में सबसे रेस्पेक्टेड जॉब करने का मौका मिला, लेकिन चीज थी कुछ तो करना चाहिए, मौका था कुछ तो करने के लिए, एक मौका मिले और दोस्त मौका मिला और आज आप सबको भी मौका मिला है। आपके पास तो ऑप्शन है कि दुनिया में जो भी आपने बनता है वो सही वक्त पे सही जगह लिए गए निर्णय की वजह से बनता है। आप चाहे तो ये बहाना बना के चले जाए कि शोर के अंदर मुझे बैठने के लिए चैन नहीं मिली, आप चाहे तो ये सोच के चले जाए मुझे टाइम पे खाना नहीं मिला, मुझे लाइन में लगना पड़ा,
आप चाहे तो ये सोच के चले जाए कि हम ताने बजा के आ गए, और इस फोन में जरूर होगा ऐसा कि कुछ लोग क्या सोचेंगे, कुछ लोग क्या सोचेंगे, लेकिन मैं दो दावे से कहता हूं, आज इस फोन से कुछ लोगों के सीने में एक ऐसी जरूरत दबक गई, एक ऐसी आग निकल गई, और वो आग ऐसी निकल गई वो तब तक नहीं बुझेगी जब तक उस चेयर से आपको ये स्टेज पे नहीं लाके देगी कि आपके सीने में हाथ चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए। ये था जब शुरुआत की आर्मी की नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की थी, मैं लोगों के पास जाया करता था और अक्सर लोग जैसे आपको बोलते हैं वैसा ही हमें बोला करते थे, हमें कभी बोला करते थे कि दोस्त इतनी आएगा कि हम भी कार नहीं जयवार लेंगे, और जैसे लोग आपको बोलते हैं लोग हमें भी बोला करते थे कि अब नहीं, जब जयवार ले ले तब मेरे पास आ जाए तब मैं ज्वाइन हो जाऊंगा। मेरे दोस्त उस इंसान को कौन बताए कि जब जयवार ले लेंगे तो हम तेरे पास छोड़े रहेंगे, तू टिकट लेके हमारे पास। हम नहीं आएंगे, टिकट लेके आएगा और सेल्फी लेने के लिए भी टाइम लेना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि लोग क्या कहेंगे, दोस्त लोग हमेशा किसी का साथ नहीं देते हैं, फर्क इस बात से है कि आपका विचार, आपकी सोच, आपकी समझ इस बात को स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही है कि LWPL के माध्यम से आप करोड़पति बन सकते हैं। मैंने सिर्फ एक भरोसा किया, यकीन किया था LWPL जिसका आज आपके सामने बैनर और जिस शो आज स्टेडियम का के अंदर हम लोग बैठे। मैं दोस्त आपको दिल से एक बात सीक्रेट बताऊं, मैंने वही कंपनी ज्वाइन की थी जो आपने की, कोई दूसरी नहीं। मेरा भी रजिस्ट्रेशन www.sbs.com के हुआ, मेरा भी पहला चेक उतना ही आया जितना आपका आया था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने 7 साल पहले की थी, आप में किसी ने 3 साल पहले की, किसी ने 2 साल पहले की, किसी ने 1 साल पहले की, लेकिन एक फर्क और है, मैंने जिस दिन से काम करना शुरू किया और मैंने किसी नसीब भी आई मेरी जिंदगी में, उस दिन से लेकर आज तक मैंने लाइफ में एक काम किया और आपको करना पड़ेगा, मेरी जिंदगी में हमेशा प्राथमिकता के तौर पर अगर कोई काम रहा तो वो LWPL रहा। इसके अलावा मैंने किसी काम को मेरी जिंदगी में प्राथमिकता के ऊपर नहीं रखा, और उसका फायदा यह हुआ कि LWPL ने भी हमें प्राथमिकता के ऊपर रखा। आज जिस लेवल के ऊपर चेक की वो आप लोग देखते हैं, मेरे दोस्त मेरी मुलाकात नहीं थी आपसे की मांगी, कुछ नहीं है। यहाँ पे राजस्थान से बहुत सारे लोग आए, मैं बताऊं कि आप ही के बीच में स्कूलों में मैंने पढ़ाई की है, और मैं यकीन दिला सकता हूँ यहाँ पे बैठे हुए लोगों को कि आप मेरे से बड़ा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 10वीं क्लास में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके मेरे से नंबर ज्यादा आए हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 12वीं क्लास में मेरे से ज्यादा नंबर आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने BA MA की डिग्री कंप्लीट की है, मैंने नहीं की, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो टकाटक इंग्लिश बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता। जब हर चीज में आप मेरे से ज्यादा है तो यकीन मानना LWPL में भी लगातार पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी में कुछ भी आ जाए, याद रखना जिस इंसान को बड़ी कामयाबी मिलनी होती है उसके दरवाजे पे समस्याएं आनी अपने आप शुरू हो जाती है, जिसको जितनी बड़ी कामयाबी उसके पास उतनी बड़ी समस्याएं। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा हादसा हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि समस्याएं आ रही, बड़ी मुश्किल हो रहा है इस काम को करना, तो दोस्त खुश हो जाना कि बड़ी सफलता मिलने वाली है। मेहनत हम लोग होते करने हैं दोस्त, मेहनत नहीं करने हैं। आप जब नौकरी में जाते हैं मेहनत वहां भी करते हैं, शोरूम जाते हैं और उस दिन बारिश होती है तो बारिश की वजह से कोई इंसान अपना शोरूम बंद नहीं करता,
सब्जी की दुकान लगाने वाला, कपड़े की दुकान लगाने वाला, ज्वेलरी की शॉप वाला, बारिश सर्दी और गर्मी की वजह से और किसी त्योहार की वजह से अपना काम बंद नहीं करता है, अगर नौकरी वाले को कहीं से छुट्टी नहीं मिलती है तो अपने घर के काम की वजह से वो नौकरी छोड़ के नहीं आता है। जब लोग छोटे छोटे काम के लिए इतना बड़ा समर्पित रहते हैं तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि दोस्त समर्पित हो जाना, समर्पित हो जाना अपने अपलाइन की कही हुई बातों पे, समर्पित हो जाना और कमिटमेंट करना। 2022 है, कमिटमेंट करके जाना। यहाँ पे बैठा हुआ इन सीढ़ियों के ऊपर जो लोग रेलिंग पे खड़े हैं ना, यहां से लेकर यहां पर आप लोग पक्का कमिटमेंट करके जाना, क्योंकि आज आपको चीज नहीं मिली है। एक दिन ऐसा आएगा कि स्टेज मिलेगा, बस इंतजार करना होगा। 3 साल का करने के लिए तैयार है, करने के लिए तैयार है मेरे दोस्त। जैसा नहीं होगा कि ज्वाइन करने से ही सब कुछ होता है। मैं आपको बताऊं, ज्वाइन बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन पल पल आपका निर्णय रहेगा कि आप कब क्या निर्णय लेते हैं। आप जब निर्णय लेंगे काम करने का तो सीधे स्माइली से इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है कि आपको चमत्कार आपकी लाइफ में हो जाएंगे। अगर मेरी जिंदगी में दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जिसको आप मंदिर बोलते हैं, कंपनी नहीं बोलते हैं, और वो एक ऐसा मंदिर कि जिसके घर पे जाके कोई भी नतमस्तक होता है तो वो कामयाब होने का आशीर्वाद लेके ही खड़ा होता है। मेरे सामने भी काम करने का वही मंदिर था और आपके सामने भी वही है। मेरे साथ में आज मैं यहां पर हूं और दोस्त आपके साथ में भी। मैं ये बोलूं कि दुनिया पे हम लोग मंदिर में जाकर भगवान को पूजते हैं लेकिन किसी ने आज तक देखा नहीं है। लेकिन दोस्त ऐसा बोला जाता है कि कण कण में भगवान है और ये रियल है कि इस कलयुग में, इस धरती पे एक ऐसे इंसान जिन्होंने भगवान के रूप में अवतार लिया और हम सबके जिंदगी में चमत्कार ना दिया। मैं कह रहा हूं अगर ताली बजानी है तो सिर्फ बजाना असली देश श्री अरविंद संजय तो मैं आपको बताऊं
इन लोगों ने कंपनियों में केबिन में कौन बैठता है आदमी आज तक देखा नहीं होगा, लेकिन हम किन सबको लोगों का धन्यवाद करें कि थर्सडे को क्लोजिंग होती नहीं, उसके ठीक दो घंटे के बाद सब लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर मैसेज आते हैं और आदमी समझता है कि अगर थर्सडे को मैसेज आ रहा है तो वो मैसेज हमारी कंपनी के डायरेक्टर मानसन सर के माध्यम से आ रहा है। होली दिवाली पे जब लोग मैसेज करते हैं, ईद पे जब मैसेज करते हैं तो खाली मैसेज करते हैं शुभकामनाओं के साथ, असली शुभकामनाएं तो जब रामचंद्र सर मैसेज भेजते हैं उसमें आती है। आती है कि नहीं आती? अरे दीपावली होली ईद किसी त्योहार में जब मैसेज आता है तो आदमी की फॉर्मेलिटी बढ़ जाती है कि रिप्लाई बैक करना पड़ेगा नहीं तो सामने वाला बुरा मान जाए। हमारे कंपनी के डायरेक्टर साहब तो व्हाट्सएप पे गिफ्ट भेजते हैं, किसी को 1 लाख का, किसी को 2 लाख का, किसी को 1.5 लाख का, किसी को 3 लाख का, और वापिस मैसेज के रूप में भी रिप्लाई नहीं मांगते। पीठ में दर्द हो रहा है, आप दर्द ठीक करके दिखाओ और
और आप बोलते हैं कि कंपनी और अपलाइन ऐसे ही यहां पहुंच गए। संजीव सर 5 बजे जेसी ऑयल खोल के और वो हवाई साफ के लगा रहे हैं। ये कहानी वास्तविकता पे आधारित है, बनावटी नहीं है, वास्तविकता में चेक कर रहे हैं। 5 बजे जेसी ऑयल लगा रहे हैं और सेंट्रल ऑफिसर 10 मिनट मेरी डेट में आए तो बता रहा हूं 7वें मिनट तो बंदे का हाथ ऐसे घूमने लगे, उसका हाथ थोड़ा चल नहीं रहा। मात्र 7 मिनट में जेसी ऑयल का रिजल्ट आया और जैसे खान जी को बोलते हैं कि चल यार ज्वाइन कर ले, ये कंपनी ठीक लग रही है। अक्सर अंधेरे में ही मिला करते हैं, अक्सर बड़े हीरे खदानों से ही निकाले जाते हैं और हमने खदान की खुदाई करना रात को 10 बजे शुरू की थी और खुदाई करते करते एक ऐसा हीरा निकला कि आज अगर मैं उनका चेक आपको बता दूं तो साहब आप भी हिल जाएंगे, इसलिए मैं उनका चेक बताऊंगा नहीं, कितना न्याय बताऊंगा। लेकिन मैंने फिर बोला प्लान प्लान अपना रोल निभाएगा, कंपनी अपना रोल निभाएगी, फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप अपना रोल निभा रहे हो कि नहीं निभा रहे। और उस रात की खास बात यह है कि जिनको हम लोग तैयार कर रहे थे, हम बनवा रहे थे, नसीर खान जी अकेले नहीं थे, एक आदमी और भी था और दोनों लोग तैयार हो गए, दोनों लोगों ने आईडी निकाल ली। लेकिन एक आदमी ने विश्वास किया, वह आज एम्बेसडर के रूप में हम सबके सामने है। और एक आदमी सुनो पूरी बात सुनो, मेरी बात इसलिए बोल रहा हूं दोस्त कि तुम दोनों से आप कौन सा बनना चाहते हो, ठीक है। एक आदमी ने बोला ठीक है आप देखेंगे बाद में, आईडी उसके लिए निकाली, ऐसा नहीं आईडी निकाली, प्रोडक्ट के लिए रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हुआ। उस आदमी को 3 साल बाद समझ में आया कि आखिर कंपनी तो चल रही है। तो एक आदमी उस रात से काम करना शुरू किया और एक आदमी ने 3.5 साल के बाद शुरू किया। जिसने उस रात शुरू किया उसका लेवल मैंने बता दिया, लेकिन 3.5 साल बाद जिसने शुरू किया उसका लेवल नहीं बताया, क्योंकि उसका लेवल इतना ही लेवल समझे कि स्टेज पे आज उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। फर्क इस बात का है कि उस काली रात के बाद आपकी जिंदगी में सुनहरा दिन आएगा या कुछ रातें और सो के गुजारोगे, ये आपके हाथ में है। आप नसीब खान जी की तरह बनके इस फोन से जाने के बाद मेहनत करके और अपना इतिहास बनाओगे या किसी और की तरह कुछ सालों बाद दोबारा आओगे, ये आपके हाथ में होगा, किसी के हाथ में नहीं होगा। सर मेहनत बाहर मार्केट में कुछ नहीं है, सरकारें आती हैं जाती हैं, हम लोग तो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, लोग यहां पे पैसे कमा रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए बाहर ड्रामा जो चल रहा है वो चलता रहेगा, आपको समझ रहा है कि किस ड्रामे के साथ में रहेंगे या कामयाबी के साथ में रहेंगे। आपने रोड पे देखे होंगे बड़े बड़े लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, पेट्रोल की डीजल बढ़ गई, रेट बढ़ गई, डीजल की रेट बढ़ गई, तेल की रेट बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, ऐसा आप लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए लोगों ने सुना कि नहीं सुना, बोलिए सारे लोग सुना कि नहीं सुना। मैं पूछना चाहता हूं क्या महंगाई बढ़ी है मेरे दोस्त? महंगाई नहीं बढ़ी, फर्क यह है कि आमदनी नहीं बढ़ी। प्रॉब्लम आमदनी है और धरना महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं, इसका समाधान कभी नहीं मिलेगा। जिस आदमी के पास आप याद करोगे जिंदगी के वो दिन और अब भी कई लोगों की जिंदगी में यही दिन
टैक्सी से बाइक उधार लेते थे तो हिसाब लगाते थे मौसी के गांव जाना है 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना, कितने किलोमीटर होना, 60 किलोमीटर। मेरी बाइक मौसी मिलेगी इतने बिना तो 50 का एवरेज देगी, तो एक काम कर 1.25 लीटर डाल दे। बहुत सारे लोगों ने बोला हिसाब लगा के तेल डलवाया मांगी हुई बाइक में कि मौसी की अबुआ के घर पर जाके आ जाए, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। मेरे दोस्त जब 40 रुपये लीटर पेट्रोल था तब भी हिसाब लगा के डलवाते थे, जब 60 रुपये लीटर था तब भी हिसाब लगा के डलवाते थे, जब 90 रुपये लीटर और 100 रुपये लीटर था वो लोग आज भी हिसाब लगा के डलवाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी कमाई बनाई वो 40 रुपये में भी टैंक फुल करवाते थे, 80 रुपये में टैंक फुल करवा रहे हैं, 100 रुपये में टैंक फुल करा रहे हैं। और मैं कहता हूँ अगर पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हुआ तो भी हमारा टैंक फुल ही रहेगा। प्रॉब्लम महंगाई नहीं है, प्रॉब्लम कमाई है। अगर महंगाई पे जाओगे तो महंगाई महंगाई रह जाएगी, अगर कमाई पे जाओगे तो इतनी कमाई रहेगी। इसलिए पेट्रोल पंप वाले को यही बोलना पड़ेगा पूरी दुनिया, और कुछ नहीं बोलना। मेरी जिंदगी में आज हम बोले मैं यही बता सकता हूं कि तारक से इंडस्ट्री के अंदर मेरा जो रियल अच्छा माइंड है वो ये है कि मेरे पास पूरी दुनिया की सबसे दमदार है। मेरा रियल अचीवमेंट यही है। और उसके बाद जब आप बाहर जाए तो देख लिया कम से कम 15 से 20 लग्जरी गाड़ी खड़ी है। इतने कम टाइम में 1996 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिंदुस्तान में शुरुआत है, आज तक किसी कंपनी ने किसी मार्केट लाने में इतनी हिम्मत आज तक नहीं हुई कि इस तरह से लग्जरी गाड़ियों के नाम लगा दे। अगर ऐसी लगी है तो सिर्फ AWPR में लग सकती है, तो AWPR में, और लगेगी तो AWPR में, इसके अलावा नहीं लगेगी साहब। और इतिहास इतिहास बनाएंगे, इतिहास रिकॉर्ड ऐसा बनाएंगे कि दुनिया वाले लोग रिकॉर्ड तोड़ने में भी कतराएंगे। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड, लोग तो गाड़ी लेते हैं अपने यहां को सेम उम्र की गाड़ी आती है, और ये चैलेंज है, मन नहीं है, ईगो नहीं है, लेकिन चैलेंज है। इस हिंदुस्तान में कोई कितना ही बड़ा रईस होगा सिंगल नंबर कितनी सारी लक्जरी गाड़ी दिखा के साथ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी सिंगल नंबर कितनी लक्जरी गाड़ी हर स्टेट की अलग अलग करके दिखा दे, ये सिर्फ संभव है, डब्ल्यूपीएल में नहीं होता है। तो आज की बात ताकत लगाने के लिए तैयार है, इतिहास लिखने के लिए तैयार है। दोस्त मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे, लेकिन एक चीज मानना यार, मैं आप जैसा ही हूं, शिव कुमार सर आप जैसे ही थे, संदीप जी यहां आए आप जैसे थे, नसीब सर आएंगे आप जैसे ही हैं। फर्क इतना है कि हम लोगों ने विश्वास को कभी टकने वाले नहीं दिया। लोग आएंगे भड़काने के लिए, लोग आएंगे कुछ कुछ बोलने के लिए, लोग आएंगे आपको रास्ते से हटाने के लिए, समस्याएं आएंगी, कभी तेल डालने के लिए पैसा नहीं होगा, कभी किसी और काम के लिए पैसा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप डटे रहना, लगातार लगे रहना, एक दिन आपके कदमों में पूरे जहान की कामयाबी होगी, ये मैं दावा देता हूं। दोस्तों मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे तरक्की करते रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही रिकॉर्ड बनाते रहे। आज आप अपने अपलाइन के रिकॉर्ड पे प्राउड फील कर रहे हैं, और वो एक दिन आपकी जिंदगी में जरूर आएगा कि जब आपकी टीम आपके बनाए गए रिकॉर्ड के ऊपर प्राउड फील करेगी। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा दिन आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी आए, क्योंकि वो दिन आप सबकी जिंदगी की कामयाबी का दिन। मैं मेरी आंखों से देखना चाहता हूं, क्या आप दिखाने के लिए तैयार है? क्या आप दिखाने के लिए तैयार है? तैयार है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।
धन्यवाद, थैंक यू।